हेलो दोस्तों, आज हम बैटरी की ओपनिंग करेंगे 35 एम्पीयर की, जो कि सेंट्रिया की बैटरी है। इसमें 30 मंथ वारंटी लिखा हुआ है, मेंटेनेंस फ्री लिखा हुआ है। ये कार की स्पेशल बैटरी आती है 35 एम्पीयर की, काका टेक्नोलॉजी है। चलिए, इस बैटरी में क्या कुछ है इसको हम ओपन करके देखेंगे। जैसे कि आप लोगों ने 32 एम्पीयर के बैटरी पे देखा था, टोल फ्री नंबर ऊपर दिया हुआ है। चलिए हम लोग इसको ओपन करके देखते हैं अंदर क्या कुछ है। यहाँ पे मिल जाता है आप लोगों को एक वारंटी कार्ड, एक इंडिकेटर, चार्जिंग इंडिकेटर, और यहाँ पे कुछ सिंबल्स दिए गए हैं। और इसमें आप लोगों को मिल जाता है ये दो टर्मिनल, जो कि सीरियल नंबर की कॉपी अंदर भी लगाई हुई रहती है, और एक सीरियल नंबर यहाँ पे प्रिंटेड रहता है। चलिए हम लोग इसको बाहर निकाल करके देखते हैं इसमें क्या क्या दिया गया है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 13 मंथ वारंटी लिखा गया है। अभी हम आप लोगों को वारंटी कार्ड पे दिखाएंगे कितना इसमें रियल में वारंटी है। 35 एम्पियर और 32 एम्पियर बैटरी की साइज एक ही आती है। जैसे 32 एम्पियर में इंडिकेटर दिया गया था, वैसे इसमें भी इंडिकेटर दिया गया है। यहाँ पे भी आप लोगों को ग्रीन कलर का लाइट जलता हुआ दिखाई देगा, जो कि बैटरी ओके है। व्हाइट कलर रहेगा तो चार्ज नहीं होगा, डिस्चार्ज हो जाएगा। जब पानी कम रहता है तभी इसमें रेड दिखाता है। यहाँ पे ऊपर से एंट्री की ब्रांडिंग दिया गया है, सीरियल नंबर ऊपर है। अब लोग इसमें भी देख सकते हैं, यहाँ पे मॉडल नंबर है, ये क्यों दिया है, ये मॉडल नंबर है। 35 एच में 18 मंथ वारंटी में भी बैटरी आती है। चलिए वारंटी कार्ड को हम लोग ओपन करके देखते हैं वारंटी कार्ड में क्या है। जैसा 32 एम्पीयर में वारंटी कार्ड था, सेम टू सेम वैसे ही हम लोगों को 35 एम्पीयर में भी मिला है। वैसे ही सेम वारंटी कार्ड है, केवल सीरियल नंबर का अंतर रहता है वारंटी कार्ड में। तो चलिए हम लोग इसमें देखते हैं क्या क्या है। ये देखिए, ये हमारा सीरियल नंबर है, और ये जो दिया गया है ये मॉडल नंबर है। 12 वोल्ट की बैटरी, 35 एम्पीयर है। देखिए इसमें दिया गया है फ्री रिप्लेसमेंट बाय इक्विपमेंट इन 0 से 24 मंथ। 0 से 24 मंथ के अंदर अगर जो आपका बैटरी कंप्लेन आता है तो इसको बदल कर दिया जाएगा। दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसे लगा कमेंट करके जरूर बताएं, साथ ही में लाइक कर दें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी जरूर करें। जय हिंद दोस्तों।